तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं आपके साथ पावर्ड क्यूरी। जी हाँ, ऑफिस 365 की बेहतरीन ऑप्शन पावर क्यूरी के बारे में। मैं पावर बीआई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक्सेल की पावर क्यूरी। एक्सेल की पावर क्यूरी मतलब कि हम डेटा कहीं से इंपोर्ट करें और उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन भी करके आ जाए, मतलब बैकएंड में जो सारी कैलकुलेशन होगा फ्रंट एंड में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। उसका ये बहुत ही बेनिफिट क्या है, एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मैं एक सिंपल सा एक डेटा डिजाइन करता हूं, इसमें नेम होगा, एक सिंपल सा डेटा मैं लेता हूं और यहां पे आपके नहीं मेरे पास है ऑलरेडी डेटा, मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूं डेटा। या मेरे पास डेटा है डेट वाइज नेम वाइज राइट, और यहां पे उनके यस नो एमए करके कुछ ऐसा है, मतलब किस भी डेट को उन्होंने एनरोल किया है, नहीं किया है, क्लास लिया है, नहीं लिया, मतलब कुछ इसी तरह का डेटा समझ लीजिए। मुझे जो रिपोर्ट चाहिए कुछ इस तरह से रिपोर्ट चाहिए, नेम जिसमें यहां पे पूजा को यस कितना है और नो कितना है, नीतू का नो कितना है, यस कितना है। तो प्रॉब्लम क्या है कि मेरा डेटा कॉलम वाइज है, तो हमें वन बाय वन काउंटीज लगाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट पिवट या समरी इस तरह से नहीं लगा सकते। बात समझ में आया सर? हेलो, मतलब कि मुझे डेटा चाहिए कुछ इस तरह से कि डेट नेम और यहां पे ट्वाइस टू और यहां पे जैसे पूजा होगा यार, इस तरह का डेटा चाहिए। फिर यहां पे अशोक होगा नो, ताकि मैं इजीली हम इस पे एनालिसिस कर सके। तो प्रॉब्लम क्या है समझ आ गया आप लोगों को सिटेन जी एंड अब्बासी जी? डेटा में प्रॉब्लम क्या है समझ में आ गया? आगे समझ, क्योंकि ये वो कॉलम में नहीं है ना, नेम जो है। हाँ जी हाँ, कॉलम में है, डेटा फॉर्मेट में नहीं है, मतलब कि ये जो है पिवट फॉर्मेट में है, डेटा फॉर्मेट में नहीं है, एटलीस्ट मैट्रिक्स फॉर्मेट मान लीजिए ना। ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको? तो हम किसी तीसरे शीट पे आता हूँ मैं, इंसर्ट पिवट टेबल, यूज एक्सेल में डेटा सोर्स, नहीं पिवट टेबल नहीं करना, माफ कीजिएगा, डेटा में है ना, हाँ डेटा, और यहां से फ्रॉम फाइल को सिलेक्ट करते हैं। आप सोच रहे होंगे सर ये तो वही है जो हम ये करते हैं, यूज करते हैं, जो डेटा कनेक्शन यूज किया है वही है, बस उसी के थ्रू चलना होता है। अब यहां देखिए शीट वन को सिलेक्ट किया, डेटा प्रीव्यू हो रहा है, प्रीव्यू होने दीजिए, अप्रीव्यू हो गया। तो जनरली हम लोग लोड पे क्लिक कर देते थे ना सर, लोड पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोड पे क्लिक करेंगे तो डेटा जैसा वैसा लोड हो जाएगा, बट इसको तो हमें अपने अपने जो चाहिए डेटा उस तरह के में करना है, उसको अनपिवट कहा जाता है। तो ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपको एक पावर बीआई का विंडो खुलता है, पावर क्यूरी का। आ गया पावर क्यूरी का विंडो सर? ठीक है। अब जिस कॉलम को आपको करना है उस कॉलम को आप सेलेक्ट कर डेट छोड़ दीजिए, ठीक है, उसके बाद यहां आपको ट्रांसफॉर्म वाले कॉलम पे जाएंगे तो आपको यहां देखिएगा अनप्यूर कॉलम दिख रहा है आपको सर? अनप्यूर कॉलम क्लिक किया, आपके सामने डेटा हो गया जैसा चाहिए था वैसा,
और फिर इसको हम होम पे जाते हैं, लोड एंड क्लोज पे चले जाते हैं। अब इस पे हम आसानी से पिवट टेबल लगाएंगे। पिवट टेबल में हम यहां पे सेलेक्ट करेंगे एट्रीब्यूट, यहां पे देंगे वैल्यू और यहां पे वैल्यू की काउंट। समझ गया सर? आया समझ में? दोबारा करके दिखाऊं? आ गया सर। सुन जी आपको लग गया समय सर? आ गया। चलिए तो और क्या क्या कर सकते हैं पावर क्यूरी में, चलिए हम आपके साथ किसी चीज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारे पास अभी एक डेटा था, एक डेटा हमने लोड किया हुआ है। मान लीजिए मैं एक डेटा यहाँ से लोड करता हूँ फ्रॉम एक्सेल फाइल ही मान लीजिए, और यहाँ पे हमने डेटा को ही ले लिया। ये डेटा है हमारा, पर प्रॉब्लम क्या है कि मैं पूरा डेटा लोड नहीं करना चाहता हूं और न ही मैं पिवट बनाना चाहता हूं। बात समझ रहे हैं सर? ना मैं पूरा डेटा चाहता हूं और ना मैं पिवट बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा एक जगह पे आ जाए, मुझे नेम वाइज क्वांटिटी का टोटल दिख जाए। कल मैंने इसके लिए पावर की इसमें माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी में सिक्वल को असमान लिखा था, ग्रुप बाय कोड लिखा था, बट यहाँ बहुत आसान है। कैसे? मैं यहाँ ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाता हूं, जब पावर क्यूरी का विंडो खुल के आ गया, यही पे आपको ग्रुप बाय दिखेगा। यहाँ जी हाँ, ग्रुप बाय दिखेगा। इस ग्रुप बाय पे क्लिक कीजिए, एक विंडो खुलेगा। बेसिक एडवांस खास नहीं, बेसिक अच्छी। मुझे आईडी के हिसाब से ग्रुप नहीं चाहिए, नेम के हिसाब से ग्रुप चाहिए, और जो नया कॉलम ऐड हो रहा है उसको काउंट नहीं चाहिए मुझे, उसके यहाँ पे टोटल चाहिए। तो यहाँ पे टोटल के पे सेल्स है, सेल्स चाहिए, और काउंट ऑफ रो, हाँ काउंट ऑफ रो चाहिए, नहीं काउंट ऑफ रो नहीं, सम चाहिए। सम किसका? हमने बोला क्वांटिटी का। और यहाँ पे मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे एवरेज एवीजी एमआरपी चाहिए, और यहाँ पे मुझे इसका एवरेज चाहिए। किसका एवरेज चाहिए? हमने बोला यहाँ पे चाहिए एमआरपी का एवरेज। जैसे जितने कॉलम चाहिए यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे लीजिए तो इनवाइस, कितने इनवाइस आए, इनवाइस में काउंट रो रहेगा, तो काउंट रो रहेगा किसका, तो अकाउंट वो कर देते हैं तो सबका जाता है अकाउंट वो। हाँ देन ओके। अब यहां पे देखिए पूजा आ गया, उसके टोटल सेल्स, उसका एवरेज एमआरपी, और कितना बार पूजा रिपीट है यहां पे आ गया, तो सारे 53 टाइम्स ही है। आपने इससे पहले भी देखा था ना, सब जगह पे सेम ही था, क्योंकि तो मैंने वो ड्रैग कर रखा है, सबका सेम हो गया है। अब एक कैलकुलेशन हमने पावर बीआई के अंदर ही कर दिया। अब मुझे लोड एंड क्लोज करना है, हो गया सर? अरे बिना पिवट का ही मुझे समरी आ गया। तो इससे फायदा क्या हुआ, जो पिवट आप लगाते हैं तो डबल क्लिक करके कोई भी डेटा को देख सकता था, यहां पर आप अपना डेटा कोई नहीं देख पाएगा डबल क्लिक करके। सर ये टेबल में क्यों आ रहा है इसको, अगर मैं टेबल में नहीं चाहता फॉर्मेट में? टेबल हमने आपको बताया था, फॉर्मेटिंग आप चेंज कर लीजिए ना, जो फॉर्मेटिंग नॉर्मल फॉर्मेटिंग करना कर लीजिए। यहाँ से आप फिल्टर बटन हटा दीजिए, बैंडर रो बैंडर कॉलम हटा दीजिए, आप ही फॉर्मेटिंग कर लीजिए। टेबल फॉर्मेट जब भी डेटा इंपोर्ट होता है तो टेबल में ही इंपोर्ट होता है। अगर मैंने इसको कन्वर्ट टू रेंज कर दिया तो ये कन्वर्ट टू रेंज नहीं होगा। अगर कन्वर्ट टू रेंज करते हैं नॉर्मल डेटा में कर देते हैं तो आपकी क्यूरी की जो कनेक्शन है वो टूट जाए। समझ
समझे? तो शिवचैन जी कोई डाउट उसमें? नहीं नहीं अब हम बात करते हैं कि मोर देन वन टेबल का डेटा कैसे लाया जाए। तो याद होगा हमने इसके लिए यूज किया था, यहाँ सॉरी हमने इसके लिए फोल्डर यूज किया था राइट, लेकिन नहीं फोल्डर यूज नहीं कर रहा हूं, मेरे एक ही सीट पे कई सारे डेटा है, एक ही सीट पे कई सारे डेटा है। जैसे तो मैं यहाँ पे कॉपी पीते रहता हूँ, इसको जैसे अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल करता हूँ, जैसे ए आपका दिल्ली का डेटा आ गया, ए आपका गुड़गांव का डेटा है, ये आपका जयपुर है, ये आपका कानपुर है, तो मेरे पास इतने सिटी है। अब मुझे इसका डेटा एक सीट पे कंबाइन चाहिए, मुझे एक सीट पे कंबाइन होना चाहिए, बट कैसे करूँ? फोल्डर में आता है तो इसको मैं फोल्डर के से कर लेता हूँ, बट यहाँ पे एक सीट पे कंबाइन कैसे होगा? हम एक के नीचे कॉपी पेस्ट मैनुअल नहीं करना चाहते, ये ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। तो यहाँ ट्रांसफॉर्म पे आप वापस क्लिक कीजिए, ट्रांसफॉर्म में जब करेंगे आप अपने सारे टेबल्स आप सेलेक्ट कर लीजिए, ट्रांसफॉर्म में आपने जब क्लिक किया तो यहां पे सारे टेबल्स आपके सामने खुल के आ गए। अब मुझे यहां पे देखेंगे क्यूरी, यहां पे कंबाइन का ऑप्शन दिखेगा, इसमें अपेंड क्यूरी, अपेंड क्यूरी मतलब एक के नीचे करना है अपेंड क्यूरी, इसे दो है अपेंड क्यूरी एंड अपेंड न्यू। अपेंड में अगर क्लिक करते हैं तो दिल्ली को बेस मान के बाकी सबको एक के नीचे लग जाए, मतलब आपका दिल्ली ओवरराइट हो जाएगा। आप कहते हैं नहीं नहीं दिल्ली जैसा है वैसा रहे, मुझे एक नया नए सीट में कर दे, तो अपेंड न्यू क्यूरी पे कीजिए, क्यूरी एज ए न्यू, एक नया सीट वो बना देगा। अब यहाँ पे आता है दो टेबल, जनरली लोग दो टेबल में करते हैं तो दो टेबल का कर ली, लेकिन मेरे पास तो दो से ज्यादा है तो थ्री और मोर पे क्लिक कीजिए और मैं इसको सिलेक्ट किया, इसको ऐड किया दिल्ली को, सर दो बार ऐड हो गया, हाँ सर गुड़गांव जयपुर, बस डबल क्लिक करते चले जाइए या ऐड पे क्लिक करते जाइए नोएडा, जिस सिक्वेंस में मान लो गलती से देखिए यहाँ पे पुणे ऊपर आ गया नोएडा नीचे चला गया तो इसको नीचे कर दीजिए आ जाएगा, इस बार सिक्वेंस आप मैनेज कर सकते दैन ओके। एक यहाँ अपेंड वन करके यहाँ पे आ गया सर, आपके स्क्रीन में इधर फ्रीज हो गया है। आसिफ जी आपके पास भी प्रॉब्लम हो रही है? यस सर। और सिप्टेन जी आपके प्रॉब्लम हो रही है? नहीं नहीं मेरे पास सही है। आपके आंसर प्रॉब्लम होगा, आप आसिफ जी देखिए आपका इंटरनेट स्लो हो गया होगा। ओके सर ओके, फिर ये क्लास तो मेरा भी सेंड करो व्हाट्सएप में लिंक। ठीक यहाँ पे सारा आ गया। अब यहाँ अपेंड वन की जगह पे मैं चाहता हूँ रिनेम कर दूं ताकि समझ सकूं, यहाँ पे आप रिनेम कर सकते हैं सी डेटा के नाम से कंबाइंड डेटा। अब मुझे इसको लोड करना है, लोड एंड फ्लोट, तो जो सिलेक्ट है वही लोड होगा, ध्यान रखिए पूरा लोड नहीं होगा। आ गया सर? ठीक। हेलो। हाँ सर समझ आ गई सर। इस तरह से लोड एंड क्लोज कर सकते हैं। मान लीजिए इसे चेंजिंग करना है मुझे, मुझे कुछ ऐसा करना है सर। मेरा मेरा जो क्वेश्चन है मीन के हम पिछले दो दिन से डेटा कर रहे हैं, सो फार जो अभी हमने ये सारी क्वेरी भी देखी, अब इसको भी देख रहे हैं, मीन एंड ऑफ द डे ये सिर्फ एक डाटा को सोर्स से जाके उठा के उसी सेम शीट के ऊपर ऊपर नीचे रख रहा है, मीन हम डाटा को कर रहे हैं। लेकिन चले हम मे बी आपके आगे वाले लेक्चर्स में लेसन में जो इम्पोर्टेंट डाटा को, जो जैसे मैंने कल भी बात की थी कि जैसे अभी आपने ये सारे सिटीज को इकट्ठा किया है और उनको एक ऑर्डर में एक ही पेज के ऊपर इकट्ठा कर दिया आपने, ठीक है, अभी ठीक है मीन के एक ये अगर
अगर ये फॉर्मेट डिफरेंट होता तो फिर भी ये उसको वहां पे लेके आ जाता। हाँ फॉर्मेट देखिए सिंपल सी बात है, इधर ये करते हैं तो आपका जो यहाँ पे जैसे फॉर्मेट डिफरेंट है तो दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए आपने नीचे साइड देखा होगा कुछ सेल ब्लैंक है, ये ब्लैंक दिख रहा है, मतलब कि अक्टूबर जो था किसी सिटी में था ही नहीं, किसी सीट में अक्टूबर नहीं था, तो अक्टूबर का डेटा नहीं दिया, ब्लैंक दे दिया। मतलब कि फॉर्मेट का ऐसा मतलब नहीं है कि आपका फॉर्मेट का मतलब है कॉलम हेडिंग को लेता है। जो पहला सीट आप बेस लेते हैं, जो सबसे दिल्ली हमने लिया था ना सर, दिल्ली के हेडिंग को बेस ले लिया और इस ए हेडिंग जिसने मैच किया उसका डेटा यहाँ लेके पेश कर दिया। लेकिन लेकिन अगर ऐसा है कि हमारे पास फोर शीट्स हैं और फोर में से काफी चीजें आपस में नहीं मिलती, पहले उनको फिर मतलब है कि कंसिस्टेंट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके ये उसको उठाएगा। देखिए एक कॉलम हेडिंग को लेगा, कॉलम हेडिंग जहां जहां मैच करेगा उसका डेटा उठा देगा, कॉलम हेडिंग नहीं मैच करेगा उसका डेटा नहीं उठाएगा, वो ब्लैंक कर देगा। ठीक जैसे यहाँ पे उसको अक्टूबर नहीं मिला लास्ट वाले सीट पे, लास्ट वाले पुणे था उसमें अक्टूबर उसको नहीं मिला, तो अक्टूबर का डेटा ब्लैंक कर दिया ना सर, देखे ना, हाँ जी ब्लैंक कर दिया। ठीक 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 ऑर्डर से मतलब है, जो एक ही चीज को जरूरी नहीं है कि जनवरी पहले होना चाहिए, बात समझे, मतलब कि मान लीजिए कि आपके पास पांच टेबल है तो सिर्फ जनवरी पहले, अब मैं एक टेबल खोलता हूँ आप देखेंगे इसे फाइल में, मैं समझ गया हूँ आपकी बात, ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है वो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ और भी प्रॉब्लम नहीं, ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है बट एग्जैक्ट टेक्स्ट होना चाहिए, टेक्स्ट जो है एग्जैक्ट होना चाहिए, समझ गया। इसका इसका एडवांटेज क्या है, रादर देन फॉर एग्जांपल एक आदमी है उसको इस पावर क्यूरी का नहीं पता और मुझे, मैं हूँ, मैं उसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मुझे कितने सेकंड लगेंगे कॉपी पेस्ट करते हुए, लेस देन वन मिनट में मैं नॉट नॉट इज ओनली फॉर कॉपी पेस्ट, सिर्फ डेली बेसिस पे अपडेट भी तो करना है हमको, आपको वन टाइम फिर आप खुद रहे वन टाइम के लिए, ऑटोमेशन या भी किसी तरह का लिंक वन टाइम के लिए नहीं होता है। रोड बनती है तो एक बार के लिए नहीं बनती है कि एक बार गाड़ियां पास होगी, रोड तो मजबूत इसलिए किया जाता है ताकि बार बार गाड़ियां चले, उसी तरीके से जो हम कर रहे हैं सिर्फ एक बार के नहीं कर रहे, अगर आपके पास वन टाइम का काम है तो ऑटोमेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आप नॉर्मल कॉपी पेस्ट कर दो। दूसरी चीज यह है कि चलो आप आठ या दस है तो आप कर लोगे, अगर मान लीजिए कि पूरे साल का 365 सीट हो, 3000 सीट हो, 300 सीट हो, तो उस समय तो काफी टाइम लगेगा ना सर। दूसरा होगा कि अगर ज्यादा सीट हो, मान लीजिए आप 100 सीट ले लीजिए, तो आप मैनुअल जो कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे कौन सा सीट लिया है कौन सा सीट नहीं लिया है, या किसी सीट को आपने डबल टाइम तो नहीं कर दिया है, ह्यूमन एरर हो सकती है बट इसमें एरर नहीं होगा। उसके बाद अगर किसी भी सीट पे डेटा अपडेट होती है रिफ्रेश करते हैं यहाँ ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, तो मतलब कि अगर मान लीजिए कि 10 सिटीज है आपके पास, 10 सिटीज का सेल आता है राइट, 10 सिटीज का 10 डिफरेंट डिफरेंट जगह पे सेल है, अब 10 सेल को आपको डेली बेसिस में नया ऐड होते रहता है तो आपको हर दिन ये काम करना पड़ जाएगा ना, हर दिन कॉपी पेस्ट अगर मैनुअल आप करते हैं तो हर दिन आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ जाएगा ना सर। ठीक, बट आपने एक बार कनेक्शन क्रिएट कर दिया तो वहां जैसे अपडेट होगा यहाँ ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, और सिर्फ सीट टू सीट की बात नहीं हो रही है, फाइल टू फाइल की भी बात हो रही है, समझ गए, फाइल टू फाइल की बात हो रही है। जैसे इसका यूज मैं करता था, जैसे मान लीजिए ना कि 10 लोग मुझे मेल करते थे डेटा राइट, 10 डिफरेंट डिफरेंट हमारे प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट थे, वो अपने प्रोडक्ट की सेल मुझे हर दिन मेल करते थे, कॉलम क्या होता था, 10 का 10 फाइल आते थे और 10 का डिफरेंट फॉर्मेट होता था, और मेरी ड्यूटी थी हर दिन 10 फाइल को कॉपी करना पेस्ट करना कॉपी करना पेस्ट करना, बात समझ रहे हैं सर। ठीक है, ये तो हो गया मैनुअल हो गया, लेकिन जब मैंने एक दिन 10 के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे आया और बोला कि सर आप लोग मेरा काम क्यों बढ़ा रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं गधे की तरह काम करता रहूं, बोला नहीं बस एक सिंपल से चीजें ना आप सबों को इन्फॉर्मेशन ही भेज दिया ना, तो एक फॉर्मेट रख लीजिए, आप सभी आदमी को मैं एक फॉर्मेट भेज देता हूँ, आप लोग उसी फॉर्मेट पे डेटा भेजिए, क्योंकि आप जो डेटा भेज रहे हैं तो हम भेज रहे हैं तो मुझे जैसा मेरी जरूरत होगी उसी हिसाब से डेटा भेजिएगा ना। ठीक है, ठीक है, तो मैंने अपना फॉर्मेट उनको दे दिया और उन्हें डेटा भेजना शुरू कर दिया,
फिर ये मेरा काम तो क्या हुआ, कॉपी पेस्ट हो गया, करना ही हो गया। फिर मैंने बोला कि सर आपको मेल करने की जरूरत ही नहीं, मैं एक शेयर ड्राइव आप लोगों को एक्सेस कर देता हूँ, आप लोगों को क्या करना है इस फाइल में डेटा अपडेट कर देना है, आपका काम टाइम बच जाएगा, आपको मेल कंपोज नहीं करना है, सेव नहीं करना है, अपना आउटलुक का साइज नहीं बढ़ाना है, आपको क्या करना है डेटा डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट कर देना है हमारी स्क्रीन पे। तो उन्होंने क्या किया, 10 डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में थे, उनको शेयर ड्राइव मिल गया और 10 फाइल में डेटा अपना अपडेट कर देते थे, मेरा यहाँ मास्टर फाइल उन 10 फाइल से कंबाइन करके कलेक्ट कर लेता। तो मतलब यह है कि अब क्योंकि सर मैं पता क्या, मैं इसके ना यूजिबिलिटी को समझना चाह रहा हूँ डेटा की ना, ताकि कल को हमें कोई भी, हमारी मेरी फील्ड जो है फाइनेंस की है, मुझे कोई भी अगर ऐसी चीज़ आती है तो मुझे पता हो सके। एक्सेल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पता होना चाहिए कि सबसे पहले, हाँ समझ गया, सबसे पहले एक जवाब बताइए, आपके पास कुछ ऐसे फाइल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से आते हो? हाँ जी है, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे कोई डेटा है जो कि 10-20 लोग, अलग अलग लोग भेजते हो? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो उन डेटा को 10 अलग अलग लोग जो डेटा आपको भेजते हैं, तो फिर उसको अगर मान लीजिए कि अलग अलग रिपोर्ट बनानी है तो ठीक है, लेकिन 10ों का कंबाइंड रिपोर्ट बनाना होगा तो 10ों को कलेक्ट करना पड़ेगा ना आपको? बिल्कुल उनको एग्जैक्टली मेरा, मैं बिल्कुल इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि मुझे उनको कंसोलिडेट करना पड़ता है। हमारा जैसे हमारा होता है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ठीक है, अब हमारे पास दुबई का प्रॉफिट एंड लॉस है, पेरिस का प्रॉफिट एंड लॉस है, ग्रीक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। तो अब सबके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आते हैं, अब उन सबको कंसोलिडेट करना होता है ग्रुप की फॉर्मेट में। तुम ना बोले, हेलो सर, आपके पिक्चर गायब हो गई और आपकी आवाज भी कट रही है। नहीं नहीं आवाज बोल रहा, बताइए। हाँ जी, तो मैं कह रहा हूँ कि वो अब हमने ना उन सबको कंसोलिडेट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे चलो एक सेपरेट लर्निंग है कि वो एक पेज पे सबको इकट्ठा ला के आपको दे देगा, जमा करके दे देगा आपको। लेकिन ये है कि इसकी इम्पोर्टेंट चीज है कि जो हम एक बेस बनाएंगे उसके नीचे वो डाटा को लेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसकी जो लर्निंग है। तो कॉलम करने का मतलब है कि आपके पास अगर डिफरेंट डिफरेंट डेटा होगा तो उसका कॉलम, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट सारे डेटा में एक ही होगा ना, ऐसा तो नहीं कि प्रॉफिट में कुछ और लिखा है वहां कुछ और होगा, कुछ और होगा? नहीं, प्रॉफिट सबका एक ही होगा, तो कॉलम का हेडिंग भी प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट उठा लेगा, सबका प्रॉफिट उठा लेगा, तो जो कॉलम जिससे मैच करेगा उठा लेगा। कहने का मतलब ये तो कंडीशन पे चलता है ना, इसको दिमाग में थोड़ी आएगा कि ये सच में ए है, मैंने प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे हो गया, प्रॉफिट हो गया, अर्निंग हो गया। अब प्रॉफिट और अर्निंग हम समझते एक ही है, लेकिन ये थोड़ी समझेगा कि प्रॉफिट अर्निंग एक ही है। ठीक ठीक ठीक, समझे ना, इसलिए दिक्कत है। तो इसका यूज हम लोग करते थे जब हमारे पास एक ही फाइल में कई सारे शीट्स होते थे, 100-200 शीट्स है या 100-200 फाइल्स हैं, उनको कलेक्ट करना है, हम वन टाइम में करना है फिर भी इसका यूज कर लेते थे, डेली बेसिस में करना है फिर भी इसका यूज कर लेते थे। मतलब और दूसरी चीज मान लीजिए कलेक्ट करने के बाद इसमें एक ही और भी होता है, मुझे कलेक्ट ही नहीं करना है, मुझे इसे कैलकुलेट भी करना है। जैसे कि यहाँ पे मुझे टोटल चाहिए होगा, राइट? तो यहाँ हमने क्वेरी, यहाँ पे क्वेरी कनेक्शन में यहाँ पे गया मैं, वापस आता हूँ इसमें पावर क्वेरी पे, यहाँ कहाँ गया हमारा सी डेटा आया ना, मुझे इसमें इसका टोटल भी चाहिए, और ये टोटल जो है मैं यहाँ सीट पे नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बैकएंड में हो जाए, तो मैं यहीं से ऐड कॉलम करूंगा, कस्टम कॉलम। ये चीजें मैं कल कराने वाला हूँ आपको, फिर भी आज बता देता हूँ यहाँ पे कि टोटल, और फिर मैं यहाँ से वन बाय वन जनवरी प्लस ऑर्डर में नहीं है, ये प्लस का साइन आप खुद डाल रहे हैं मैनुअली? जी हाँ, खुद डालना।
हो गया, और यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक कॉलम ऐड हो गई दो संख्या, हो गई सर, हो गई। अब मुझे मान लीजिए इसका जीएसटी भी कैलकुलेट करना है, तो मैं यहीं पे ऐड कॉलम पे आऊंगा कस्टम कॉलम पे, और मैं यहाँ पे इसका जीएसटी कैलकुलेट कर लूंगा, कमीशन कैलकुलेट कर लूंगा। तो मतलब ये कैलकुलेशन ही बैक एंड में हो जाएगी, एक्सेल पे करने की जरूरत नहीं है। अब बोलेंगे सर इसकी जरूरत क्या है, हम क्यों करें, ये फायदा होता है ना, हम तो वहां पे आसानी से कर सकते हैं ना सर, क्या? बिल्कुल ऐसा इसलिए ताकि अब जैसे मैंने यहाँ पे 18% का मैंने निकाला हुआ है ना सर, हाँ जी। अब यहाँ पे मैं लोड एंड क्लोज पे क्लिक करता हूँ, अब कोई कह देगा कि 18% निकला हुआ है? नहीं बता सकता है, सिक्योरिटी होते ना, प्रोटेक्शन वोटेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है आपको सर। वो तो मैं 18% लेके कॉपी पेस्ट करके वैल्यू करके वैसे भी वो कॉलम को डिलीट कर सकता हूँ सर, फिर वो ऑटोमेटेड नहीं होगा, अगर ये चेंज होगा तो वो चेंज ही ना होगा। ओके, अब अगर ये चेंज होगा तो ये भी सही 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 समझ गया ना सर, ये तो फॉर्मूला बोल रहे हैं डायरेक्ट हम लोग लिख कर सकते हैं ना इधर, मतलब अगर टोटल है तो सम लिखेंगे फिर उधर जनवरी तो इधर से ड्रैग करेंगे तो कहने मतलब कि इसमें जो फॉर्मूला क्या लगा हुआ है किस तरह की कैलकुलेशन उससे होगा। दूसरा ये दिखता है अगर मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको डिलीट कर दिया ना सर, सेव भी कर दिया, उसके बाद मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा या रिफ्रेश किया समझे कुछ की नहीं, नहीं दोबारा कीजिएगा सर, ये मैंने डेटा डिलीट मार दिया डिलीट, रिफ्रेश कर आ गया। जब तक इसका सोर्स डिलीट नहीं होगा तब तक यहां डिलीट करने से कोई फायदा नहीं, समझ गया सर? सर अगर इधर तो एक सेल में तो डिलीट करेंगे, इधर तो टोटल में कुछ चेंजेस आएंगे? नहीं, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ये जस्ट विजुअल कर रहा है आपको सर, इसे कुछ भी चेंज सार कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जैसे रिफ्रेश करोगे यहां पे अपडेट हो जाएगा। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए, ठीक है सर? सर ये चीज बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें जो फॉर अ टाइम बीइंग मुझे दिक्कत नजर आ रही है ना, वो ये है कि ये हर डेटा को ना टेबल में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि हमें जब हम फाइनेंस में काम करते हैं तो हमें उसको टेबल में नहीं चाहिए होता, क्योंकि हमारा एक अपना फॉर्मेट है फाइनेंस का और उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट। अपने हिसाब से नहीं समझिए, टेबल में है तो आपको अपने हिसाब से जो फॉर्मेटिंग करना चाहिए, आप इसकी फॉर्मेटिंग से क्यों इस परेशान हो रहा है, इसको लीजिए जैसा फॉर्मेटिंग करना उस तरह से फॉर्मेटिंग कर लीजिए ना। उधर भी एक ऑप्शन है क्लासिक, अपना जो फॉर्मेटिंग करना कर लीजिए सर। मुझे मैं आपको बता, चले अभी अभी हमारा ये डाटा वाला जब अभी डाटा स्टार्ट हुआ है ना, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशल है मेरी लर्निंग के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेजोरिटी फाइनेंस का आपको काम पता होगा कि हमारा जो होता है कि फाइनेंस वालों का काम ही होता है डाटा के ऊपर सारा, तो मेरे लिए इसका यूज बता दें, इसका यूज एक्सेल टू एक्सेल के लिए नहीं है, इसका यूज होता है आपके सर्वर से लिंक करने के लिए। जैसे आपके पास अगर कोई डेटाबेस सिस्टम है ना, वहां से डेटा को डायरेक्ट लिंक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मैं सीरियसली आपको बता देता हूँ, टैप है, ओरिकल है, एसक्यूएल है, एक्सेल है, वहां से इसको लिंक करने के लिए, ताकि बार बार डेटा हमें इम्पोर्ट ना करना पड़े, मेन इसका यूज इसी चीज के लिए होता है। सर अगर इनको द एंड इफ यू ऐड डेटा द टोटल विल बी एडेड ऑटोमेटिकली और नो? आप इसको प्रैक्टिस कीजिए तो समझ में आएगा, एक बार याद करो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बाकी डिटेल प्रैक्टिस कीजिएगा तब इसका और इसके बारे में ज्यादा पता चलेगा सर। अच्छा सर, ठीक ठीक है ना, ठीक सर, ओके बाय।